नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत ग्वालियर पुलिस द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों का जानकारी देने के लिए रोजाना अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में एसपी ऑफिस स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से बाइक रैली का आयोजन किया गया। ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के नेतृत्व में निकाली गई इस बाइक रैली में ग्वालियर कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए और हेलमेट पहनकर सड़क पर बाइक भी चलाई और लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की। इसके साथ ही निगम आयुक्त द्वारा नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में भागीदारी के लिए बाइक रैली में लोगों से अपील की गई। ग्वालियर एसएसपी ने कहा कि बाइक रैली निकालने के पीछे मूल कारण यही है कि लोग नियमों का पालन करें। ये आज हमारे साथ कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब और पुलिस के लोग जो भी शासकीय अधिकारी हैं, एक बाइक रैली निकाल रहे हैं, जो हेलमेट पहन के निकाल रहे हैं। एक तो जनता को अवेयरनेस देने के लिए कि उनकी जीवन रक्षा अगर करनी है तो उनको हेलमेट पहनना चाहिए, और इसको सभी लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हमारे साथ में हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, और इसके साथ में नगर निगम कमिश्नर सर का स्वच्छता का भी संकल्प है, तो उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि बाइक रैली निकाली जा रही है ताकि लोगों को जागरूकता हो और महसूस करें कि जब सभी लोग पहन सकते हैं, वरिष्ठ भी पहन सकते हैं, तो हेलमेट पहने। और अभी ये बहुत बड़ा कारण है, या इससे दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अगर जिसकी दुर्घटना में मौत होती है उसका सबसे दूसरे नंबर का कारण है कि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं टू व्हीलर वाले, और जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं रोड पर टकरा के, पत्थर पर टकरा के, किसी गाड़ी से टकरा के उनकी डेथ हो जाती है। ये तो शहर का पूरा करीबन रूट यहाँ से लेकर पुलिस लाइन तक रहेगा करीबन, और करीबन 20 किलोमीटर के आसपास। मैं ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति खुद अपने आप में और खास से उसके परिवार वालों से कहूँगा कि अपने परिजनों को कहें कि वो हेलमेट पहन के घर से निकलें। हमें अपने परिजनों से प्रेम है और उनका जीवन मूल्य है, इसको समझ के उनको समझाइश दें और उनको पहनवाएं ताकि किसी भी तरह की परेशानी सड़क दुर्घटना में क्षति ना हो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।